नमस्कार, एनवायरनमेंट का हम लोग का नया सेक्शन और एनवायरनमेंट में हमारी इकोसिस्टम की जो दूसरी वीडियो है वो आप लोगों के सामने है। एनवायरनमेंट में सब मिला के पांचवी वीडियो है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ कल हिस्ट्री की वीडियो अपलोड होगी और जल्द ही हम चीजों को लेकर आगे बढ़ते हुए करंट अफेयर्स की नेक्स्ट सीरीज डालेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने देखा था कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन से होते हैं, जैसे कि दो कंपोनेंट होते हैं मेनली, बायोटिक अबायोटिक। तो बायोटिक मैंने डिस्कस कर दिया था, अबायोटिक में कुछ भी डिस्कस करने लायक नहीं है। सिंपल वो चीजें हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में होती है ना, जो नॉन लिविंग एयर वाटर है ना, वो मैंने ऑलरेडी उनको डिस्कस कर दिया था एनवायरमेंट की क्लास में, जो पहली दूसरी क्लास थी, तो वो डिस्कस करने वाली बात बनती है। अभी देखो, कई बच्चों ने मुझसे क्या पूछा कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी में डिफरेंस क्या है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी में डिफरेंस क्या है। तो मैं बता देता हूं कि इकोसिस्टम इकोलॉजी को आप अगर रिलेट करना चाहें तो ये देख लीजिए, इकोसिस्टम की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। इकोसिस्टम क्या है? जैविक और अजैविक, जीवीय और अजीवीय चीजों का रिलेशन और उनकी स्टडी इकोलॉजी है ना। मतलब क्या, नॉन लिविंग्स और लिविंग बींग्स के बीच जो रिलेशन है, एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच जो रिलेशन है, वही तो है इकोलॉजी। तो एनवायरमेंट और लिविंग के बीच जो रिलेशन, जो सेट ऑफ रिलेशन है, उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। बात खत्म, समझ गए? तो इकोसिस्टम की स्टडी करना ही इकोलॉजी कहलाता है, दैट्स ऑल। ठीक है, अभी इकोसिस्टम के हम इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरे आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम भी दो प्रकार के अगर देखा जाए तो बांटे जाए मेनली, एक टेरेस्ट्रियल जो सतह पर है, है ना, जो स्थल पे है, जमीन पे है। दूसरा एक्वाटिक जो पानी में है, जैसे समुद्र के अंदर, तालाब के अंदर, पोखरी के अंदर, नाले के अंदर, कहीं भी। सबका अपना अपना अलग अलग इकोसिस्टम होता है, उसमें हर उस क्षेत्र के कुछ स्पेशल जीव होते हैं और उनके बीच में एक चक्र चलता है वातावरण और ऑर्गेनिज्म के बीच में, जो उसका इकोसिस्टम कहलाता है। देखिए, जैसे कि सतह पर देखिए जंगल, उसका इकोसिस्टम अपना अलग है, जंगल है, जंगली पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, है ना, तो वहां का इकोसिस्टम एक शहर के इकोसिस्टम से अलग होगा। सिंपली ग्रासलैंड, घास का मैदान, नॉर्मली जो घास के मैदान है, जैसे हम जहां हम लोग भी रह रहे, उसका इकोसिस्टम अलग होगा, रेगिस्तान का इकोसिस्टम अलग होगा। ये कुछ एग्जांपल है नेचुरल इकोसिस्टम के। और इसी तरह ये कुछ इसमें एक्वाटिक में भी, समुद्र में भी देखिए, फ्रेश वाटर जो नदी गंगा नदी बह रही है, उसके अंदर जीव जंतु जो उसका जो इकोसिस्टम है वो समुद्र के पानी से अलग होगा, समुद्र के जीव जंतु से, समुद्र के इकोसिस्टम से अलग होगा। यही डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम। तभी मैंने कहा था हमारी हथेली में भी एक इकोसिस्टम तैयार हो सकता है और इस पूरा ब्रह्मांड भी कम पड़ सकता है इकोसिस्टम के लिए। समझ गए आप? पूरा ब्रह्मांड जैसे जुड़े हैं, पूरी गैलेक्सीज हैं, एटमॉस्फेयर है, अर्थ है, प्लैनेट, दुनिया भर की चीजें, स्टार्स हैं, इकोसिस्टम। हमारी हथेली भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच जो रिएक्शंस हैं, जो भी यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, जो प्रेशर है, वो उसका इकोसिस्टम। डन होगी बात? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कुछ बना देते हैं। अभी इस रूम का इकोसिस्टम कुछ और है, वो अगर मैंने कुछ कैमरा लगाया है, कुछ लाइटिंग कर रहा था, तो क्या वो आर्टिफिशियली मैंने क्लाइमेट तैयार कर दिया? जैसे एक्वेरियम, मछली का घर बना देते हैं ना, घर में शो के लिए रख देते हैं, ग्लास है, मछली भी घूम रही है, थोड़ा सा उसको दाना दे दिया, कुछ पत्थर भी डाल दिए, कुछ रीफ भी डाल दी, क्या उसको हम एक ओशन का फील दे रहे हैं, रिवर का फील दे रहे हैं, है ना? वो क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जो सिचुएशन को, सेट ऑफ सिचुएशन को तैयार करके, कंट्रोल करके एक सिचुएशन प्रदान कर दी गई है और उसमें वो इकोसिस्टम में वो चीज, वो जीव प्रिजर्व हो रहे हैं। अब उस एक्वेरियम में चूहा डालने में थोड़ी जिएगा वो, बिकॉज वो उस इकोसिस्टम से बिलोंग ही नहीं करता है। समझ रहे बात? ये होते हैं जैसे चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में इकोसिस्टम है प्राइवेट बनाया हुआ, मतलब कि सॉरी आर्टिफिशियल बनाया हुआ, वहीं जंगल क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम। चिड़ियाघर में अलग अलग जानवर लाके खड़ा कर दिया सबको, एक छोटा सा वो नया ही अपना ही इकोसिस्टम हो गया वहां। तो क्या शेर किसी को मार के खाता है, यहाँ शेर को मांस मिल गया, खा रहा अपना, वो भी इसका इकोसिस्टम है। इसीलिए पॉल्यूशन, एयर का अपना इकोसिस्टम है, लेकिन जब पॉल्यूशन पहुंच गया तो इकोसिस्टम दूसरा हो गया, कुछ बाहरी कण पहुंच गए, जैसे पॉल्यूशन हो गया तो उस क्षेत्र का, उस जगह का वातावरण में बदलाव आने से वो इकोसिस्टम बदल गया। गहराई समझ रहे शब्दों की आप? चलिए, इकोसिस्टम के बाद आता है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? जब इकोटोन उस क्षेत्र को बोलते हैं जहां एक से ज्यादा इकोसिस्टम मर्ज होते हैं और उनके जो उसका जो मिक्सचर होता है उसे इकोटोन बोलते हैं। मान लीजिए ये स्थल मंडल का इकोटोन है, स्थल
इकोसिस्टम है और ये जल है ना, और ये बीच में क्या हो जाएगा, ये जो मिक्स वाला एरिया है ये क्या हो जाएगा, इकोटोन। जैसे स्थल और पास में नदी के पास का क्षेत्र दलदली क्षेत्र बन गया, वो कौन सा क्षेत्र ना, दलदली, वो क्या हो गया, इकोटोन। जहां एक से ज्यादा इकोसिस्टम मौजूद है ऐसा क्षेत्र वो क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। वो दोनों से अलग होता है, उसमें दोनों की क्वालिटीज होती है, उसमें इन दोनों से अलग ऑर्गेनिज्म या अलग चीजें भी रह सकती हैं। इसीलिए इस इकोसिस्टम से दोनों से अलग ये तीसरा इकोसिस्टम बन जाएगा, जो कि उन्हीं दो इकोसिस्टम का मिक्सचर है। वो दलदल वेटलैंड इसका बेस्ट एग्जांपल है, मार्शी एरिया दलदली एरिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी है और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी है, और इसमें दोनों के स्वरूप दिखते हैं। समझ गए आप, इकोटोन हो गया। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा मेन जो सेक्शन है इसमें, एनर्जी फ्लो की तरफ। एनर्जी फ्लो मतलब ऊर्जा का प्रवाह। इकोसिस्टम है ना, ऊर्जा के प्रवाह होते हैं और उसके आधार पर हम चीजों को आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है कि जब एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर जाए, है ना, उसको एनर्जी फ्लो कहते हैं इकोसिस्टम में। मैंने पिछली क्लासों में डिस्कस किया था कि एनर्जी जो है वो मूव करती रहती है और चीजें इकोसिस्टम में सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसीलिए तो इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम में ज्यादातर चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। मैंने बताया था कि भाई ये ट्रायंगल होता है, इसमें नीचे प्रोड्यूसर है, फिर कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो इसमें जो एनर्जी का फ्लो होता है, जो ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचती है, वो क्या कहलाती है, एनर्जी फ्लो। क्या कहलाती है, एनर्जी फ्लो। और इसकी क्वालिटी होती है, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। कैसी होती है, एक सीध में चलती है, या तो ऊपर चलेगी या ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक बार ऊपर गई नीचे, ऐसे तो नहीं होता, जिगजैग नहीं होता, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन होती है। एक फूड चेन में या एक फूड वेब में एक ही डायरेक्शन हो जाएगी एनर्जी, ठीक है, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे आएगी, या तो अपवर्ड होगी या तो इनवर्ड होगी, ठीक है। अब इसी एनर्जी फ्लो के आधार पे ट्रॉपिक लेवल डिसाइड किया जाता है। ट्रॉपिक का मतलब होता है पोषण, पोषण स्तर। आपको पता है कि इकोसिस्टम में सब ज्यादातर जो प्राणी होते हैं या जैवीय अजीव चीजें होती हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, और उसी के कारण ही इकोसिस्टम बनता है, और उसी कारण ही दुनिया भी चल रही है। हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते संसार में, या कोई जानवर अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता इस संसार में। उसे रहने के लिए हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, कुछ और जानवर भी चाहिए, कुछ घास भी चाहिए, कुछ फल भी चाहिए, कुछ मांस भी चाहिए, है ना। तो मतलब कि हमें सबकी जरूरत पड़ती है। उसके आधार पर ना कुछ स्टेजेस बनाई गई हैं कि कैसे लोग इकोसिस्टम में अपने पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग पैटर्न बनते हैं। जब हम लोग अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, उसके आधार पर कुछ पैटर्न बन जाते हैं, है ना। उसमें एनर्जी फ्लो हम लोगों को पढ़ना है। मुख्य रूप से तीन प्रकार की चीजों में एनर्जी फ्लो होता है ना। पहला है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, जिसका मैंने एग्जांपल पिछली क्लास में दिया था, फूड चेन। दूसरा क्या है, फूड वेब, खाद्य जाल। क्या है, खाद्य जाल। और तीसरा है इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड। सबसे पहले पढ़ते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, फूड चेन का मतलब वो होता है जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता एक साथ जुड़े हुए होते हैं, और कोई जो इकोसिस्टम का कोई प्राणी या कोई तत्व खाना बना रहा है, और दूसरा तत्व या प्राणी उसको खा रहा है, और वो सब एक दूसरे के भोजन, हर कोई किसी ना किसी का भोजन बन रहा है। और इस सिस्टम को, इस चेन को क्या बोलते हैं, इस चेन है ना, धागा है पूरा एक, हर कोई किसी ना किसी का भोजन है, और हर कोई किसी ना किसी के लिए खाना बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं, फूड चेन। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल, घास, घास को खाया कीड़े ने, ग्रास हॉपर ने, कीड़े को खाया छिपकली ने, छिपकली को खाया सांप ने, सांप को खाया बाज ने या चील ने, ये क्या हो गया, ये कहलाएगा उत्पादक। क्या कहलाएगा, उत्पादक। इसके रूपक में ये उपभोक्ता हो गया, इसके लिए ये उत्पादक हो गया, इसके लिए ये उत्पादक हो गया, इसके लिए ये उत्पादक हो गया। सभी क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हुए हैं ना। ये होती है फूड चेन। क्या होती है, फूड चेन। आगे देखते हैं, इसमें कई सारी चीजें निर्मित
प्रवाह करती है, एनर्जी कैसे प्रवाह करती है मैं ये बताऊंगा। जो लिंडा मैन का जो 10% रूल है वो मैं इसमें आगे बताता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए आप। अब दूसरी बात है खाद्य ये फूड का वेब क्या होता है, मतलब इसमें एक जाल जो मतलब एक जगह से मतलब कई सारे रूट बनते हैं फूड चेन के। जब प्राइमरी मतलब सबसे पहला और सबसे अंतिम जो चेन बिंदु है उसके अलावा बीच में कई सारे साधन से एक ही रूट बन जाते हैं। जैसे ये देखिए घास एक फूड चेन को, जब कई सारी फूड चेन एक ही मिक्स हो जाए तो खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। घास को चूहिया ने खाया, चूहिया को सांप ने खाया, सांप को फिर चील ने खा दिया, एक फूड चेन बन गई। यहीं से घास को कीड़े ने खाया, कीड़े को छिपकली ने खाया, छिपकली को फिर चील ने खा लिया, दूसरी फूड चेन बन गई। घास को खरगोश ने खाया, खरगोश को फिर चील खा गई, फिर तीसरी चील बन गई। आप चीज समझ रहे हैं ये परिस्थिति क्या कहलाती है, फूड वेब कहलाती है। क्या कहलाती है, फूड वेब। मतलब क्या ये है हमारा इकोसिस्टम, सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कोई भी किसी का भोजन बन सकता है ना। क्या पता कोई बड़ा जानवर आए तो हॉक को खा ले, उससे बड़ा आया तो कोई उसको खा ले। ये है फूड वेब। क्या है ये, फूड वेब। आगे चलते हैं, चीजों को हमें सिंपली पढ़ना है, ज्यादा इसमें डीप तक मत जाइएगा। अब है इकोलॉजिकल पिरामिड। तीन टाइप के होते हैं ये मैंने बताया, एक तो बायोमास का, दूसरा नंबर का, तीसरा एनर्जी का। तो सबसे पहले हम एनर्जी वाला करते हैं, एनर्जी वाला करते हैं ऊर्जा। देखिए जो भी खाद्य श्रृंखला होती है, जैसे मैंने यही सिंपल वाली एक ही खाद्य श्रृंखला से आपको समझा रहा हूं, वैज्ञानिक थे लिंडा मैन, उन्होंने नियम दिया एनर्जी का, ऊर्जा का, कि हर स्टेज पे, ये जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये अलग अलग स्टेज होती हैं, ये प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टनरी कंज्यूमर, ठीक है ना, या ये हर्बीबोरस, फिर ओमनीबोरस, कार्निबोरस, जो अलग अलग पूरी सीरीज चल रही है। तो पहले स्तर पे जितनी एनर्जी, मान लीजिए 10,000 1,00,000 हो गया, मतलब जितना भी है ये इतना इतना किलो कैलोरी इस स्तर पे एनर्जी थी, इस घास में कितनी थी, इतनी कैलोरी थी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है 10,000 एनर्जी थी। तो जब ये अगले स्तर पे जाएगी तो कितनी रह जाएगी इसका 10%, कितनी रह जाएगी इसका 10%, ये 1,00,000 थी तो ये 10,000 रहेगी। अभी इस स्तर से यहां पे जाएगी तो ये 1,000 कैलोरी रह जाएगी, किलो कैलोरी रहेगी। यहां से यहां जाएगी तो 100 किलो कैलोरी रह जाएगी, यहां से यहां जाएगी तो 10 किलो कैलोरी रह जाएगी। मतलब क्या, खाद्य श्रृंखला में जब भी एक स्तर से दूसरे स्तर तक एनर्जी जाती है तो सिर्फ अगले स्तर पे से 10% एनर्जी पहुंचती है, 10% रूल है ये, बाकी एनर्जी क्या होती है वो हमारी सराउंडिंग्स में खत्म हो जाती है। आपको पता है ना कि थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ क्या है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। थर्मोडायनेमिक्स का ऊष्मा का पहला या ऊर्जा का पहला नियम यही है कि भैया ना तो एनर्जी बनती है ना खत्म होती है, एक स्तर से दूसरे स्तर बदलती है। अब ये 10% यहां पहुंच रही है, इसका मतलब 90% सराउंडिंग में कहीं खत्म हो गई है, समझ गया आप। ये है ऊर्जा का नियम, 10% रूल, ठीक है। प्रदूषण में जस्ट उल्टा होता है, जिसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, सुनिए यहीं पे। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन एक शब्द है, एक परिभाषा है, जिसके अंतर्गत की जो प्रदूषक कण होते हैं, जो प्रदूषण फैलाने वाले कण होते हैं, वो जो एक स्तर से दूसरे स्तर पे जब पहुंचते हैं तो उसमें क्या बदलाव आता है, उसमें सॉरी इसका जस्ट रिवर्स होता है। क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है। अगर इसका मतलब अगर
पहले स्थान पे 100 जो कि मात्रा लगा रहे हैं, 100 कण है अगर पॉल्यूटेंट के, अगर प्रदूषण के, तो खाद्य श्रृंखला में अगले स्तर पे जाने पे वो 1000 हो जाएगा, उससे अगले स्तर पे जाने पे वो 10000 हो जाएगा, उससे अगले स्तर पे जाने पे वो 1 लाख हो जाएगा ना, 0 बढ़ता जाएगा। तो मतलब क्या, हर स्तर पे प्रदूषण बढ़ता रहता है। मतलब घास में जितने पॉल्यूटेंट थे उसे अगर हमने इटक किया अगले बंदे ने, तो जितना उसका था उसका 10 गुना नेक्स्ट पे पहुंच जाएगा। तो मतलब क्या है, जितने फूड चेन में जितना ऊपर जाते जाते हैं पॉल्यूटेंट इंक्रीज होते हैं, पॉल्यूशन के कण इंक्रीज होते रहते हैं, समझ गया। अगर हम सबसे प्राइमरी चीज यहाँ पे 1 ग्राम कोई पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट थे तो वो सबसे ऊपर पहुंचते पहुंचते इसका 10 गुना, फिर इसका 10 गुना, फिर इसका 10 गुना, फिर इसका 10 गुना, ये जानते हैं ये। तो जो सबसे टॉप मोस्ट पे होता है वो सबसे ज्यादा प्रदूषण कण प्राप्त करता है, और सबसे जो सबसे नीचे होता है वो सबसे कम प्राप्त करता है। तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन, क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन या बायो रेमिडिएशन भी इसी प्रकार से एक तत्व होता है। और जैसे कि मैंने एनर्जी वाला बता दिया था, अब आपको मैं बता रहा हूं बायोमास वाला। बायोमास, बायोमास का मतलब क्या होता है, वजन, मास, शरीर में जो द्रव्यमान है। बायोमास की जो साइकिल है इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्राइमरी स्टेज पे घास का जितना वजन है ना, घास का मान लीजिए 10000 किलो घास का वजन था, इनको कुछ कीड़ों ने, मतलब जिसने भी खाया इनको, मान लीजिए कीड़ों ने खाया, चूहिया ने खाया, चूहे ने खाया, किसने भी खाया, तो इसका सिर्फ 10% पहुंचेगा यहाँ पे, 1 0 कम कर दो इस स्तर पे। मान लीजिए आगे सांप था, उसने चूहा खा लिया, तो इसके पास कितना वजन द्रव्यमान पहुंचेगा, 100 किलो इसका, हाँ ये। इसके ऊपर कोई और था, चील मान लीजिए, तो वहां तक कितना पहुंचेगा, 10 kg, है ना। यहां किसी को भी फिट कर सकते हैं, जैसे कि हिरण को लगा दिया आपने, हिरण ने घास खाई, हिरण को फिर शेर खा गया, तो जो जितना ऊपर है उसको उसको मास उतना कम मिलेगा, उसको द्रव्यमान उतना कम होगा। शुरू हुआ था खेल इतने से, और सबसे ऊपर वाले को कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो ये पिरामिड, बायोमास के पिरामिड में ये खेल है। बायो इसमें देखिए उल्टा भी होता है, क्या होता है, उल्टा भी होता है कई, जैसे कि ये तो स्थल का दिखा दिया मैंने आपको, पानी में, पानी में जो बड़ी मछलियां होती हैं, जो सबसे छोटी मछलियां होती हैं उनका वजन कम होता है, जो उनको खाती है उनका वजन ज्यादा होता है, और उनको जो बड़ी मछली खाती है उनका वजन ज्यादा होता है। तो बायोमास का इन्वर्टेड फॉर्म भी होता है, बायोमास का एक इन्वर्टेड फिनोमिना भी होता है। बायोमास में दो प्रकार की चेने होती हैं, दो फिनोमिना होते हैं, इन्वर्टेड भी है, बड़ी मछली है ना, ये तो मछली भी बनानी नहीं आ रही यार मेरे को तो, है ना, जो भी है, इसने छोटी छोटी मछलियों को खाया, तो इसका वजन तो ज्यादा है, इसका अगर 1000 किलो है तो यहां 100 आएगा, फिर वो और छोटी छोटी मछलियों को खाया तो इसका 10। बायोमास में उल्टा भी होता है, ये वो डिपेंड करता है इकोसिस्टम कौन सा है, वो डिपेंड करता है कौन सा इकोसिस्टम, जलीय, जलीय पारिस्थितिकी में उल्टा है, स्थलीय पारिस्थितिकी में कुछ और है, लेकिन रूल वही 10% का है। रूल कौन सा है, 10% वाला ही नियम है इंक्रीज डिक्रीज का। इसी प्रकार नंबर का है जो तीसरा रह गया, कौन सा, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर क्या कहता है, घास अगर मान लीजिए यहां घास के 100 पौधे हैं, हाँ, तो कीड़े इससे कम ही मिलेंगे, वो 85 मिलेंगे, कुछ भी मिलेंगे, वो इससे कम मिलेंगे, कीड़े जो है वो घास से कम मिलेंगे। मुझे लगता है कि मुझे ब्लैक से लिखना चाहिए ना, माइट भी ये देखिए ना, फिर जो छिपकली होंगी वो कीड़ों से कम, सांप होंगे वो छिपकली से कम, बाज होंगे या चील होंगी
वो सांप से कम। मतलब क्या, जितना ऊपर जाते हैं ऑर्गेनिजम्स का, जीवों का की संख्या घट जाती है। घास से ज्यादा अगर कीड़े होंगे तो साइकिल बनेगी ना, सबको कहां मिल पाएगा, मरी जाएंगे वो। तो नीचे से कम ही रहना पड़ेगा ऊपर वाले बंदे को, और उससे कम रहना पड़ेगा उससे ऊपर वाले को, उससे कम रहना पड़ेगा ऊपर, सब्सिक्वेंटली चलेगा। समझ में आई बात? ये है हमारे इकोसिस्टम के फूड चेन, फूड वेब, और उसमें कैसे ये पिरामिड घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी रूल याद रखिएगा, एनर्जी वाले में हमेशा 10% बढ़ता है, पॉल्यूशन वाले में उल्टा होता है, बायोमास में नीचे से ऊपर घटता रहता है 10-10%। ठीक है, और नंबर वाले में नीचे से हमेशा ऊपर वाला छोटा रहेगा। ये मैंने एक ही एग्जांपल से सब कुछ आपको समझाया, आप अपने से करेंगे तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगी आपको। समझ आ गई? ये है हमारा इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम का मोटी मोटी बात है कि सभी लोग एक दूसरे पर आधारित हैं, और ये है उसका प्रॉपर नतीजा। और जब हम एक दूसरे पर आधारित होते हैं तो वो कोई चीज हमारे तक ट्रांसफर होती है तो क्या कितनी मात्रा में पहुंचता है, ये देखने वाली बातें होती हैं, और यही इसमें इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग नई चीजें डिस्कस करते हैं, तब तक थैंक यू सो मच।